दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह बिष्ट है और मैं आप सभी फाइटर्स का मेरे यूट्यूब चैनल AWPL एजुकेशनल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों के लिए न्यू मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस लेके आता हूं, तो इस बार मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही खास वीडियो लेके आए हूँ। हमारे संग काफ़ी न्यू फाइटर्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है कैसे हम अपनी आईडी को चेक करें, इसकी KYC अप्रूव्ड है या नहीं, या अपनी टीम की आईडी किस प्रकार से चेक करें कि ये अप्रूव्ड है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से हम आईडी को चेक करें। सबसे पहले गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने पर आपने यहाँ पर AWPL टाइप करना है। जैसे आप टाइप करते हैं तो फर्स्ट जो इंटरफेस आपको दिखता है लॉगिन का, उस पर आपने क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे वेबसाइट यानी कंपनी की वेबसाइट जिस पे आपने लॉगिन करना है, अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है कभी कभी क्या हो जाता है कि ये बैक हो जाता है, आपने इसको डरना नहीं है, इसको दोबारा फिलअप करना है और सबमिट करना है। यहाँ पर आपकी आईडी को लॉगिन हो चुका है। तो लॉगिन करते ही आपने सबसे पहले 3 बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्म, अगर KYC फॉर्म आपको लिखा हुआ आता है तो दोस्तों आपने समझ जाना है कि इसकी अभी KYC अप्रूव नहीं है। और इसकी जगह पर अगर यहाँ पर गेनोलॉजी लिखा हुआ आता है, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये गेनोलॉजी लिखा हुआ दिखा देता है तो इसका मतलब ये आईडी अप्रूव्ड है। तो अभी यहाँ पर फिलहाल हमें दिख रहा है KYC फॉर्म, इसका मतलब ये अप्रूव नहीं है। तो हम सबसे पहले KYC फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही KYC फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए यहाँ पर मांगा जाता है। तो हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फ़ोटो और यहाँ पर बैक साइड की फ़ोटो हमने यहाँ पर अपलोड करनी है। और ध्यान रहे, अपलोड करते वक्त हम क्लियर आधार कार्ड की फ़ोटो को अपलोड करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर इसको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपको यहाँ पर एक और इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें कि आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाता है कि आपकी आईडी जो है सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है कंपनी के माध्यम से। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अन्य जो भी आपकी टीम में आइडिया हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो अन्य आईडी चेक करने के लिए आपने सेम प्रोसेस को करना है। यहाँ से आप पहले अपनी आईडी को लॉग आउट करें। आईडी को लॉग आउट करने के बाद आप दूसरी आईडी को भी आपने इसी प्रकार से चेक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।